नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास और पारदर्शिता का दावा करने वाली भाजपा के नेताओं द्वारा सरकारी खजाने को लूटने का खेल किया जा रहा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पिछले 10 सालों में आर्थिक अपराध के तो समस्त रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। रीवा लोकसभा के सांसद जनार्दन मिश्र को पिछले 2 पंचवर्षीय में 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के अनुपात से 10 वर्षों में लगभग 50 करोड़ रुपए सांसद निधि के रूप प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा शासन से प्राप्त होने वाली सांसद निधि का वर्ष 2014 से 15 से 2022 से 23 के बीच व्यय की गई राशि में अधिकांशतः ऐसे कार्य हेतु अनुशंसा कर राशि जारी कराई गई जिनमें 50% से ज्यादा कमीशन के कार्य थे। शासन द्वारा जारी निर्देश एवं आदेशों से हटकर इन कार्यों की अनुशंसा की गई। इन सभी कार्यों की अनुशंसा सांसद रीवा के बेटे कबीर द्वारा एडवांस में 50% कमीशन प्राप्त कर कराई जाती है। ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा 50% कमीशन देने के कारण ग्रेवल रोडों का कार्य ही मौके पर नहीं कराए गए। वाटर टैंकर के नाम पर 93 लाख, यात्री प्रतीक्षालय 26 लाख, सोलर स्ट्रीट लाइट 3,68,000, बाउंड्री बार, ग्रेवल रोड सहित अन्य स्वीकृत कार्य 42,30,15,000 रुपए के कार्यों की अनुशंसा कर संबंधित कंपनियों ठेकेदारों से 50% कमीशन से ज्यादा कमीशन प्राप्त कर जारी की गई। का जो है इन्होंने जो ये किया है, इसमें बड़ा बात यह है कि आप देखेंगे तो प्रति बात के लिए 50% एवरेज कमीशन है, जिसपे जो है एवरेज कमीशन इसमें जो है किया हुआ है। इसके जैसे उदाहरण के लिए इनके सबसे अधिक जिन्होंने इन्होंने बनाया, उन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपए जो है वो वाटर टैंकर पे खर्च किया हुआ है। वाटर टैंकर पे 11 करोड़ रुपए लगभग खर्च किया हुआ है। और इसी के साथ इसी प्रकार से यात्री प्रतीक्षालय, वाटर टैंकर जो है 56,000 से 60,000 बन जाता है, इन्होंने जो है 2,64,000 रुपए दिए हुए हैं। ऐसी जो है यात्री प्रतीक्षालय 3,84,000 बनाया हुआ, जबकि वो आराम से 90,000 बन जाता है। इसी प्रकार से जो मत खर्च किया, सबसे अधिक मत जो खर्च किया है वो है स्ट्रीट लाइट पे खर्च किया, मात्र 3 करोड़ रुपए। लेकिन आपके पीछे हमने जो है ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ये पूरा अमन बनाया है कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। आवश्यक जो कार्य हैं वो आवश्यक कार्य जो है वो होना चाहिए था कि ये जो ड्रामा करते हैं अपने कि दिव्यांगों के लिए हम काम कर रहे हैं, दिव्यांग हमारे बहुत वो हैं, ऐसा करके ड्रामा करते हैं। उसमें मात्र इन्होंने 10 वर्षों में जो है सिर्फ जो है 98,000 रुपए खर्च किए हैं दिव्यांगों को कुछ भी काम। 98,000 रुपए मात्र 50 करोड़ में 98,000 आवश्यक कार्य होता है, किसी दिव्यांग की लाइफ बनाने का काम होता है, इसको देने का काम होता है। उसके बाद जो पेयजल योजना जो खूब बोलते हैं, पेयजल योजना में हम इतना काम करेंगे, इसमें जो है इसमें पानी की टंकी के लिए कुल 1 लाख रुपए इन्होंने दिया है। पेयजल योजना के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिया हुआ है। उसके जो महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए हमेशा टॉयलेट पे हाथ डाल के दिखाते रहते हैं कि सफाई, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए माननीय सांसद महोदय पिछले 10 वर्षों से, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3,26,000 रुपए जो है प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च किया है इस मत पे। और उसके बाद जो है इन्होंने हैंडपम्प 10 वर्षों में हैंडपम्प मात्र जो दिया हुआ है वो जो है 10,03,000 रुपए का खाली हैंडपम्प दिया है। इसका मतलब ये है प्रति वर्ष एक हैंडपंप एक विधानसभा में इन्होंने दिया हुआ है। अब जो अनावश्यक कार्य जिसमें इसमें मोटी कमाई कमाए, मेरे हिसाब से मैंने जो बताया एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इन्होंने जो है यहां पर इतने भरने किया, इन्होंने क्या किया है कि ये टोटल जो है 42,30,00,000 रुपए का जो है 10 वर्षों में इन्होंने अपना खर्च किया पूरा पैसा, जिसमें से वाटर टैंकर आप देख रहे होंगे कि विधायक भी दे रहा है, सांसद भी दे रहा है, कोई और भी दे रहा है। इसका कारण यह है कि वाटर टैंकर यहां पर जो जानकारी अनुसार मेरे पास है, वो जानकारी अनुसार यह है कि वाटर टैंकर इनके खुद के बालक कबीर की एक जो है इंफ्रा की यहाँ जो यहाँ पर एक वार्ड क्रमांक 8 में रामू जी जो है पार्षद हैं, उनके प्लांट को इन्होंने लिया हुआ है और उसी प्लांट में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पर जो है जब आपको GST ये सब चीज काम होगा तो उसको इन्होंने ले लिया है। इससे फैब्रिकेशन का जो भी काम होता है वो सारा काम खुद करते हैं। तो इस पे जो है इन्होंने वाटर टैंकर पे 11 करोड़ रुपए का किया है, और समझिए 50% कमीशन के हिसाब से मैंने यहाँ सामने सब लिखा हुआ है कि जैसे इन्होंने 2-3 में मार्क किया हुआ, 2-3 चीजों में, जैसे इन्होंने 11 करोड़ 95 लाख रुपए का जो इन्होंने टैंकर में जो पे किया है
उसमें से सीधे जो 5,97,00,000 रुपए शुद्ध कमीशन है, इसमें कोई आदमी किसी जगह पे नहीं बोल सकता कि ये पैसा इनके द्वारा वापस नहीं गया है। दूसरा चीज इन्होंने जो किया, यात्री प्रतीक्षालय, यात्री प्रतीक्षालय 5,26,00,000 रुपए का किया है, उसमें से जो है 2,63,00,000 रुपए जो है इनके पास सीधे वापसी हुई है। अगर ये कहीं पर भी आप बनवाएंगे, कोई बनवाएंगे, हम लोग के पास कोर्ट भी है, पहले भी हम लोगों ने किया था और इसको जो है एनालिसिस रखा हुआ था, इसलिए कि इनको टिकट होगी नहीं होगी, इसके बाद अभी ये हो रहा है। उस कुछ ने किया, नया प्लांट खुलवा रहे थे, याद होगा, उसके बाद हम लोग गए थे वहां पर, इनका प्लांट पहले से बना हुआ था, बिगड़ा था, जिस बोले हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को, वो थे श्रीवास्तव जी, तो उसको बोल के हम लोग चालू करवाए थे, हम भ्रमण करने गए थे, तब जाकर प्लांट चालू हुआ था, जो कि अपने पास पहले से था। आपको तो खुद चंद्रवास में सजा मिली थी, तो मैं फिर ऊंच अदालत से वो हो के बरी हो गया। ये किसी के साथ हो सकता है? ये किसी के साथ होता था? ये कोई अपराध नहीं है? ये तो पैसा दे के चुकता तो हो गए, वो हमको बरी तो कर दिया अदालत ने। न्यायालय फैसला है, उसको मानिए आप, न्यायालय फैसला मानिए। आपने अभी सांसद जी के बेटे को बोला कि ये दोषी है, तो आप कैसे कह सकते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? क्या आपके अवैध मित्रा के लड़के व्यापार नहीं करते? नहीं, हाँ है।